आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार सत्य परमो धर्म। हाल ही में कतर में फीफा 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा देशों में खेले जाने वाला ये खेल है, इसलिए इस खेल के चहेते और दीवाने भी भरपूर हैं, जिस वजह से इस खेल के स्टार खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन जाते हैं। फुटबॉल का नाम आते ही महानतम खिलाड़ियों में पेले और माराडोना का नाम सबसे ऊपर ही आता है, मगर इस वर्ल्ड कप के बाद शायद उनके समांतर या फिर उनसे ऊपर एक नाम लिया जा रहा है, वो है अर्जेंटीना को उसका तीसरा फुटबॉल वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान लियोनेल मेसी। मेसी को इस वर्ल्ड कप से पहले महानतम खिलाड़ियों में से एक बताया जा रहा था, मगर वर्ल्ड कप के बाद अब उन्हें निर्विवाद सर्वकालीन महानतम खिलाड़ी मानने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जो लोग फुटबॉल या मेसी को ज़्यादा नहीं जानते थे और अगर उन्होंने कतर का वर्ल्ड कप देखा हो तो उन्होंने भी मेसी का मैजिक देखकर उसका लोहा मान लिया है। मेसी ने इस वर्ल्ड कप में न केवल अपने देश की कप्तानी करते हुए अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीताया, बल्कि टूर्नामेंट में अपने देश की ओर से सबसे अधिक और टूर्नामेंट के दूसरे नंबर के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने और गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता। इस वर्ल्ड कप के बाद मेसी की प्रसिद्धि रातों रात कई सौ गुना बढ़ गई और लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें या अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करने लगे हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से पता चलता है कि मेसी अपने काम को लेकर कितनी लगन और एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तभी वो सर्वकालीन महानतम फुटबॉलर के रूप में अपना नाम दर्ज करा सके हैं। पार्थेश्वर समाचार अपने दर्शकों के लिए ये वीडियो लेकर आया है, जिसे देखकर आप भी यकीन नहीं करेंगे, मगर इसी वजह से मेसी को मैजिकल मेसी कहा जाता है, ये समझ सकेंगे। Toma. Voy a hacer esto aquí. A ver si es capaz de darle, hombre. Venga, va. ¡Uy! Este casi le llega a dar, ¿eh? ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Ahí la lleváis! Sí. Examinación. ¡Oh, vaya! जय भीम लाइब्रेरी सावली जिला चंद्रपुर संस्थान का अमृत महोत्सव समारोह और चंद्रपुर जिला पुस्तकालय संघ और नागपुर मंडल पुस्तकालय संघ का संयुक्त सम्मेलन रविवार दिनांक 25 दिसंबर 2022 रमाबाई अंबेडकर विद्यालय और जूनियर आर्ट्स कॉलेज महाविद्यालय सावली जिला चंद्रपुर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक विजय भाऊ वडेट्टीवार पूर्व कैबिनेट मंत्री के मंगलम हाथ से रहेगा और महाराष्ट्र स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर श्री गजानन कोतेवार कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में और साथ ही महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय निदेशक दत्तात्रेय शीर सागर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। पुस्तकालय को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या नए पुस्तकालय को लेकर महाराष्ट्र राज्य के पुस्तकालय निदेशक दत्तात्रेय शीर सागर पुस्तकालय कर्मियों से संवाद करेंगे। सावली नगर पंचायत के अध्यक्ष और जय भीम पुस्तकालय की अध्यक्षा लता ताई एम लाकड़े, साथ ही सहायक पुस्तकालय निदेशक नागपुर मंडल मीनाक्षी कांबले, साथ ही जिला पुस्तकालय अधिकारी कार्यालय चंद्रपुर के जिला पुस्तकालय अध्यक्ष भीम राव जवाने, साथ ही जिला पुस्तकालय अध्यक्ष और नागपुर मंडल के सभी जिलों के जिला पुस्तकालय अधिकारी एड राम मेश्राम, पूर्व जीपी सदस्य गढ़चिरौली और साथी शिव कुमार शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।
ऐसी जानकारी चंद्रपुर जिला पुस्तकालय संघ और नागपुर संभाग पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष ग्रंथ मित्र अनिल बोरगांवार के साथ ही जय भीम पुस्तकालय सावली के अध्यक्ष और नगर पंचायत सावली के अध्यक्ष श्रीमती लता ताई लाखड़े ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दी है। अनेक उदासीनता किंवा नकारात्मक जरी आम्ही चर्चा करत असले तरी एका ग्रामीण भागात जिथे ग्रामपंचायत असलेले सावली हे गाव गेल्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे, 75 वर्ष अविरत सेवा देत आहे हे घोषणावर आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून मी चंद्रपूर जिल्ह्यातील तमाम ग्रंथालय चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना गजेंद्रकरांना विनंती करेन की चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या सावली या ग्रामीण विभागामध्ये होणारे शिक्षक सेना पुणे विभाग की ओर से पुणे जिले में स्थायी गैर सहायता प्राप्त आंशिक रूप से सहायता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूलों और शिक्षकों के लंबित प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए उपनिदेशक श्री आदुम्बर उकीरदे सर और उनके अधीनस्थ माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वाखरे मैडम पिंपरी चिंचवाड़, प्रशासनिक अधिकारी नाइकवाडे सर, उप शिक्षा अधिकारी चौहान सर के साथ साथ पुणे नगर निगम के शिक्षा बोर्ड अधिकारी चौहान मैडम, प्राथमिक वेतन इकाई अधीक्षक शाह सर, माध्यमिक वेतन इकाई अधीक्षक सरदार मैडम शिम्पी मैडम मौजूद थे। इस वक्त शिक्षक सेना के सुनील जगताप, एकनाथ जी अमले, हरीश चंद्र गायकवाड़, संजय नायडू सहित हेडमास्टर एसोसिएशन के कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस समय सभी विद्यालयों की स्वमान्यता के नियम और शर्तों का निर्धारण, अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व का निर्धारण, 15 जनवरी तक सभी को स्वमान्यता देना, असाधारण परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेना, उपनिदेशक द्वारा सत्यापित किए जाने पर 10% मान्यता घोषित करना, बिना किसी कारण के रोके गए वेतन का तत्काल भुगतान करना, चल रही सुनवाई पर तत्काल कार्रवाई करना, चिकित्सक बिलों का तत्काल भुगतान जिनकी मान्यता बाबत प्रश्न है समाधान किया गया है और ऑनलाइन घोषणा की गई है, मार्च के अंत तक बकाया का भुगतान किया जाएगा, ऐसा उपस्थित अधिकारियों ने उनके प्रतिनिधि द्वारा बताया। सभी कार्यालयों में आवक और जावक पंजी एक समान निर्धारित की जाती है। अन्य आवक और जावक पंजीकृत होने पर संबंधित प्राधिकारी को दोषी माना जाएगा और अनुमोदन और आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है।